मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलों के बीच एक और चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा यह कि कमलनाथ भाजपा में शामिल न होकर राजनीति से संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ और बहू प्रिया नाथ भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कमलनाथ राजनीतिक सफर के आखिरी पड़ाव पर है। उनकी उम्र 77 साल के करीब है, ऐसे में राजनीति में उनके लिए कुछ ज्यादा संभावनाएं भी नहीं है। ऐसे में वो राजनीतिक जीवन के आखिरी पड़ाव पर भाजपा में शामिल होकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते। कमलनाथ 22 साल की उम्र में कांग्रेस से जुड़े थे, इसके बाद वो संगठन में कई पदों पर रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। नकुल नाथ वर्तमान में छिंदवाड़ा से सांसद है। अगर वो भाजपा में शामिल होते हैं तो इसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कमलनाथ के राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनकी विधानसभा सीट खाली हो जाएगी, जहां से उपचुनाव जीतकर प्रिया विधानसभा जा सकती है। कमलनाथ दिल्ली स्थित बंगले से बाहर निकले तो उन्हें मीडिया ने घेर लिया। इस दौरान मीडिया ने उनसे भाजपा में जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कल वाली बात ही दोहराई। कमलनाथ ने कहा कि मैंने कल ही कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा, मैंने किसी से भी बात नहीं की है। कमलनाथ बेटे नकुल नाथ के साथ शनिवार को अचानक दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद से उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। कमलनाथ अभी दिल्ली में ही है। बताया जा रहा है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मुलाकात कर सकते हैं। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अपने समर्थक नेताओं से बातचीत की, उनसे रायशुमारी की और सीधे सीधे पूछा कि क्या करना है। इसके बाद छिंदवाड़ा के अन्य कार्यक्रम निरस्त किए और भोपाल होकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब कहा जा रहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से अपने सांसद बेटे नकुल नाथ के साथ भाजपा में शामिल होने वाले हैं। उनकी या उनके किसी समर्थक की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे की तौर पर देखा जाता था, वह पार्टी छोड़ने के कगार पर कैसे पहुंचे? नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, इसके बाद अचानक उन्हें मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। पार्टी के कार्यक्रमों से भी उन्होंने दूरी बना ली और फिर अचानक उनके भाजपा में जाने की अटकलें तेज हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।